फ्रेंड्स, ऑर्डिनल नंबर्स को क्या इस तरह लिखना सही है? आपके सामने जो लिखा हुआ है, फर्स्ट यानी पहला, सेकंड यानी दूसरा, थर्ड यानी तीसरा, जो कि सिंगुलर नंबर की संख्या कही जाती है, ऑर्डिनल नंबर्स कही जाती हैं, तो ये मेथड एकदम गलत है, कम्प्लीटली रॉन्ग है ये तरीका। इसे सही लिखने के हमारे पास में दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रोमन नंबर्स में हम STENDRD नहीं लगा सकते, एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा वाली संख्या इसमें ये चीज़ नहीं लगा सकते। तो इनको अगर हटा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा अब तरीका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, STENDRD हटा दिया। दूसरा तरीका है सामान्य गिनती, 1, 2, 3 के आगे STENDRD हमने लगाया फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, बिल्कुल सही तरीका है। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देखें, वहाँ पर आपको ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, लिटरेचर एटसेट्रा से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगे। थैंक यू। फ्रेंड्स, मुझे यह करने का शौक़ है, मुझे वो करने का शौक़ है, इसके लिए आपको सेंटेंस बोलना है आई एम फॉन्ड ऑफ, उसके बाद एक्शन या वर्ब में ING लगा देना है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस वन। नंबर टू, मुझे रसगुल्ला खाने का शौक़ है तो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग रसगुल्लास। नंबर थ्री, मुझे एक्सरसाइज करने का शौक़ है तो आई एम फॉन्ड ऑफ एक्सरसाइजिंग। नंबर चार, मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़। नंबर फाइव, मुझे पार्टीज़ में जाने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पार्टीज़। इस तरह आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन में ING लगाएंगे, वर्ब में ING लगाएंगे या फिर कोई भी नाउन यूज़ करेंगे, हमारा सेंटेंस तैयार है। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देखें, वहाँ आपके लिए स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर एंड अदर थिंग्स अवेलेबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। EDM है गो टू द डॉग्स, इसका अर्थ कुत्तों के पास जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है बर्बाद हो जाना, रुइन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रंकर्ड इज श्योर टू गो टू द डॉग्स, एक पियक्कड़ व्यक्ति जो है उसका बर्बाद हो जाना निश्चित है। तो साथियों, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर देखें। थैंक यू। EDM अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब काला घोड़ा नहीं है, बल्कि इसका मतलब है छुपा रुस्तम, एक व्यक्ति जिसके बारे में हम ढंग से नहीं जानते और वो एकदम से हीरो बन के हमारे सामने निकले। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। फॉर एग्जांपल, फ्रांस प्रूव्ड द डार्क हॉर्स इन द 1998 वर्ल्ड कप सॉसर। तो फ्रांस के बारे में लोग नहीं जानते थे कि वह इतना अच्छा खिलाड़ी होकर निकलेगा, लेकिन वह सफल होकर निकला, तब पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चला। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट देखें, वहाँ स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर और लिटरेचर संबंधित वीडियोस हैं। थैंक यू वेरी मच।